यूपी की 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष को धूल चाटने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी की रणनीति और क्रॉस वोटिंग की वजह से बीएसपी उम्मीदवार चुनाव हार गए, लेकिन इस करारी हार के बाद एसपी बीएसपी की दोस्ती के जारी रहने को लेकर कयासों का दौर जारी रहा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राज्यसभा चुनाव में हार के बाद भी बनी रहेगी एसपी बीएसपी की दोस्ती? क्या हार के बावजूद अटूट है अखिलेश माया की दोस्ती? इन सवालों का जवाब खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ही दे दिया। राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने कहा कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और इस हार का गठबंधन पर तिल बराबर भी असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे और गठबंधन तोड़ने की बीजेपी की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। बकौल मायावती, अखिलेश यादव को अभी अधिक तजुर्बा नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश राजा भैया के झांसे में आ गए। मायावती यहीं नहीं रुकी, गेस्ट हाउस कांड पर खुलकर बोलती हुई मायावती ने कहा कि उस घटना के लिए अखिलेश जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो राजनीति में नहीं थे। बीजेपी पर जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने सवाल पूछने के लहजे में कहा कि क्या योगी सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है? इससे पहले चुनाव के नतीजे आने के बाद बीएसपी ने हार के बावजूद अखिलेश यादव के चुनावी मैनेजमेंट की सराहना की, तो वहीं अखिलेश ने भी पार्टी के जश्न को स्थगित कर गठबंधन का धर्म का निर्वाह कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। जाहिर है बीजेपी भले ही 10वीं सीट पर जीत दर्ज कर विपक्ष को करारा झटका दे रही हो और एसपी पर अवसरवादी पार्टी होने का आरोप मढ़ रही हो, लेकिन दोनों दलों के नेताओं खासकर मायावती के बयान से तो इतना साफ हो गया है कि फिलहाल एसपी बीएसपी का गठबंधन अटूट है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।